पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां हापुड़ में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में किसानों के हित में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पद यात्रा व भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम किया जा रहा था। ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने देश में प्रदेश की सरकार को गूंगा बहरी सरकार बताने के उद्देश्य से आयोजित करना चाहा, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व ही जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सपा कार्यकर्ताओं से भैंस को छीन लिया गया। पुलिस प्रशासन ने लुटेरों की तर्ज पर उनसे भैंस को छीना, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भैंस छीन कर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया और अब उन्होंने कोर्ट में पुलिस पर चोरी के आरोप में भैंस छीनने का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। ये जनपद हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित सपा पदाधिकारी के यहाँ कार्यक्रम होना था। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश में प्रदेश में गूंगी सरकार है और देश को अन्न प्रदान करने वाला अन्नदाता सड़कों पर है और उनके समर्थन में आने से लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा धारा 144 का बेवजह प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार खुद अपने प्रोग्रामों में धारा 144 को नहीं मानती। मार्च का और एक बीन बजाने का कार्यक्रम था, कैसा कार्यक्रम था, क्या था? हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे जिले के अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख जी के नेतृत्व में आज यहाँ से पदयात्रा किसानों के पक्ष में वह भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी तानाशाही के होते हुए हमारे इस प्रोग्राम को फ्लॉप करने का काम किया। हम समाजवादी हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अभी तो हम अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। जो हमारी भैंस पुलिस ले गई है उसका हम वकील साहब से कहेंगे इसका क्लेम डालने का काम करें और भैंस पे एक मुकदमा 300 कौन सी धारा में होगा, चोरी का 379 का चोरी का मुकदमा कराने काम करेंगे। अच्छा, भैंस की पहचान कैसे होगी कि वो भैंस अगर दूसरी देने लगे आपको? भैंस पे हमने लिख रखा है गूंगी बहरी सरकार, उस पर लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी भैंस है, वो आते ही मुलायम सिंह जिंदाबाद करेगी। आप लोगों द्वारा आज पैदल मार्च का प्रोग्राम था किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या पूरा मामला और कैसी व्यवस्था? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वर्ग आश्रम रोड से धोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मरादपुर समापन था जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है, आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ, जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी, तमाम ऐसी चीज़ें ही 1 लाख की योजना चालू करी। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस बीमा, किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर फ्री हो, वो तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फ्री करा और किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते रहे हैं। हमेशा हमारा कार्यकर्ता किसानों के हित में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। मेरा अन्य विपक्षी पार्टी, जो अन्य विपक्षी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि अन्य विपक्षी पार्टी केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं और बीजेपी के ही तालमेल से वो अपने घर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता अब समझ चुकी है कि केवल और केवल अगर जनता के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, व्यापारियों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, बाकी और कोई इस प्रदेश में, देश में कोई पार्टी। अच्छा, आज पुलिसकर्मी यहाँ से भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए,
देखिए आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, इसी तरह इस बीजेपी सरकार, सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का, जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है। अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस ये सरकार नहीं है, सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको भगाने का काम करें। जागरूकता रैली के रूप में पैदल का क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं स्पष्ट ये कर दूं कि जागरूकता रैली नहीं, हमारी आज जो सांकेतिक रूप से इस गूंगी भरी सरकार को भैंस के प्रतीक के रूप में बीन बजाकर उसे जागरूक करने का हमारा कार्यक्रम था। लेकिन जिस प्रकार आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी भैंस को छीन के गायब ले गया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस गूंगी भरी सरकार को भी इसी तरीके से छीनने का काम करेगी। मैं बड़े अफसोस के साथ आज कहना चाहता हूँ साथियों, आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर ऐसे लोगों की सरकार है जिसे ना इस बात का पता हो, गन्ने की मिठास का पता हो, ना नींबू की खटास का जिसको जानकारी ना हो। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से याद है, एक बार योगी जी एक कार्यक्रम में जब वोट मांग रहे थे तो गांव में चले गए, गांव में जब जाके इन्होंने देखा तो एक जगह लाल मिर्च सूखी हुई थी, तो इसने पूछा योगी जी ने उतर के कि भाई ये क्या है, तो किसान ने बताया कि साहब ये लाल मिर्च है, बोले इसकी कीमत कितनी है, उसने बताया 60 रुपये है, तो ये आगे चलते रहे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कहकर जैसे ही आगे चले, आगे जाके खेत में जब निकल के जा रहे थे तो वहाँ पेड़ पे हरी मिर्च लगी हुई थी। योगी जी ने किसान से पूछा ये क्या है, बोले ये हरी मिर्च है, बोले ये हरी मिर्च है, और वो कौन सी मिर्च थी, बोले वो लाल मिर्च थी, तो बोले हरी मिर्च का भाव क्या है, उन्होंने कहा ये 20 रुपये किलो है। तब इन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इस देश का किसान खुशहाल क्यों नहीं है, अरे जब हरी मिर्च 20 रुपये किलो वाली बोगे, लाल मिर्च बो ना 60 रुपये किलो वाली, जिससे तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो साथियों जिस बात को, जिस व्यक्ति को इस बात का पता ना हो कि खेत के पेड़ों पर हरी मिर्च बूती हो या लाल मिर्च बूती हो, ऐसे लोगों का जिसे इस बात की जानकारी ना हो भैंस आगे से दूध देती है या पीछे से दूध देती है, भैंस की सानी कैसे होती है, किसान कैसे खेत खलियान का काम करता है, ऐसे लोगों की आज सरकार है जो पूरी तरीके से जुल्म और ज़ास्ती करने के लिए लगातार 144 लगी हुई है, मुकदमे लगा रहे हैं, क्या 144 का क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 144 लग जाए, चाहे कर्फ्यू लगा दें, चाहे ताजे रात हिंद 302 लगा दें, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर किसान जाग चुका है। और अभी एक बात आप पूछ रहे थे कि और पार्टियां इस आंदोलन में क्यों नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी की बुनियाद किसानों की बुनियाद है, हमारी पार्टी की सोच खेत और खलिहान के पीछे डोले पर जो व्यक्ति बैठा है उसके चेहरे पर खुशी लाने की सोच की पार्टी है। तो साथ ही इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्र नेता माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर लगातार कार्यक्रम करती रहेगी और 144 तो भी तोड़ेंगे और कर्फ्यू लगाएंगे उसको भी तोड़ेंगे, हर कीमत पे किसानों के साथ रहेंगे। दूसरी बात और मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि सरकार या पुलिस द्वारा कोई भी मुकदमा कायम होता है तो उसकी पैरवी निःशुल्क समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और उसको हर कीमत पर कानूनी सहायता देंगे, जैसे भी जरूरत पड़ेगी वैसे काम करेंगे। उसका पैनल अध्यक्ष जी ने बना दिया है, धौलाना क्षेत्र में मोहम्मद बिलाल हैं जो हमारे इसके किसान उसके अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदार हैं कि उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, और गढ़ के लिए ललित यादव हैं उनको दे दिया गया है, और मुझे इन्होंने पूरे ज़िले की व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी दी है। जहाँ भी जो भी कैसी भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और इस चैनल के माध्यम से एक बात और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी भैंस के आंदोलन को फ्लॉप करने का काम किया है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तथाकथित ये दूसरी पार्टी वाले लोग नहीं हैं कि जिनकी डायरेक्शन बीजेपी के किसारे पर चल रही हो, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमारे यहाँ सीधा सीधा एक नारा है कि बोल मुलायम हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। धन्यवाद, और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।